नागपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नागपुर में 592 मरीजों की जांच से 61 मरीज डेंगू पॉजिटिव निकले हैं और सबसे ज्यादा मरीज पूर्वी नागपुर से है। विजयनगर इलाके में रहने वाले जोगेश्वर हिरवाणी को डेंगू था, उसकी मृत्यु हो गई। जैसे जैसे शहर में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, अब नागपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को इस पर नियंत्रण पाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर शहर में अब तक सामने आए 61 मामलों में से आधे से ज्यादा पिछले महीने के है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने शहर के विभिन्न हिस्सों में कीटनाशकों का छिड़काव कर डेंगू रोग के प्रति जनजागृति करना शुरू कर दिया है। नागरिकों से आग्रह किया है कि डेंगू के लक्षण दिखते ही तुरंत इलाज कराए। सध्या नागपुर मध्ये कालपर्यंत 592 सस्पेक्टेड केस होत्या, त्याच्यापैकी 61 केसेस ह्या पॉझिटिव्ह झाल्या। जी आपण एलायजा कन्फर्मेटरी टेस्ट करतो त्याच्यामध्ये 61 रुग्ण पॉझिटिव्ह आले असल्याचं मलेरिया ऑफिसकडून मला रिपोर्ट मिळालेला आहे, डॉक्टर मतपती यांच्याकडून। हां, आज सकाळीच जे भोवेर मॅडम आहे जोनल वैद्यकीय अधिकारी लक्ष्मी म्हणजे लकडगंजोनची, त्यांच्याकडून जोगेश्वर हिरवाणी एक 43 वर्षाचा माणूस याच्यामध्ये समर्पण हॉस्पिटलला मृत्युमुखी पडला। त्याचं NS1 पॉझिटिव्ह आहे। NS1 म्हणजे ती डेंग्यूचं स्क्रीनिंग टेस्ट असते, ती पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे त्याला डेंग्यूचं इन्फेक्शन झालं होतं असं म्हणायला काही हरकत नाही। तरी पण आम्ही त्याचं जे आहे ते शासनाच्या निर्देशानुसार एलायजा जी टेस्ट आहे त्याच्यानंतरच आम्ही फायनल रिपोर्ट आल्यानंतर आपण कंफर्म करतो आणि डिक्लेअर करतो। तर ती टेस्ट होईल आज आणि त्याचं आम्ही डिक्लेअर म्हणजे आता ते रिझल्ट आल्यावरच मी त्याच्यावर भाष्य करू शकेन, पण ते NS1 होती म्हणजे सस्पेक्टेड नक्कीच होता तो।